हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी करते हैं यहाँ पे तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं टीटी के नेक्स्ट लेवल यानी कि सुपर टीटी के, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपजाऊ का विलोम क्या है? तो देखिए यहाँ पे उपजाऊ इस शब्द का विलोम क्या है, सिंचित है, खाद है, ऊसर है या फिर बंजर है। बात करते हैं उपजाऊ की, तो उपजाऊ का विलोम होता है अनुपजाऊ या फिर ऊसर। ठीक है, अगर अनुपजाऊ भी आपको कहीं दिखे लिखा हुआ तो वो भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अथवा ऊसर, दोनों भी जो है वो इसके विलोम होते हैं, किसके? उपजाऊ के। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है? जो प्रतारक यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है कौन सा है, ठग का, टेक का, टीका का या फिर डर का। तो देखिए प्रतारक जो शब्द है इसका अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो ये है पर्यायवाची ठग का, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाचियों की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाते हैं आपके वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज, ये सारे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आवाहन का विलोम क्या है? तो आवाहन का विलोम क्या यहाँ पर अवगाहन है, तिरोभाव है, विसर्जन है या फिर धन्यवाद है? तो देखिए आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। आवाहन यानी किसी चीज को बुलाना, आवाहन करना, और विसर्जन यानी उसका समर्पण कर देना या फिर विसर्जित कर देना। तो यहाँ पे जो विसर्जित है यही इसका विलोम हो जाएगा। और यहाँ पे तिरोभाव जो लिखा है, ये तिरोभाव इसके अगर अपोजिट की हम बात करें तो तिरोभाव का अपोजिट होता है आविर्भाव। आविर्भाव जो है अपोजिट हो जाएगा तिरोभाव का। ठीक है, और यहाँ पे पूछा था आवाहन, तो आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। अगला शब्द हमारा है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो देखिए यहाँ पे जो है ना बुढ़ापा ये जो शब्द है यही आपका जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी शब्द जो है वो आपके यहाँ पे स्त्रीलिंग में दिए गए हैं, यानी कि जो भी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हम ना लगा देते हैं या आव लगा देते हैं या पन आ जाता है या वा आ जाता है या पा आ जाता है, जैसे कि देखिए गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सब के सब जो है वो आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है इसी वजह से बुढ़ापा भी जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पे जो दिए हैं निर्धनता, दया, दुर्घटना, ये सब जो है आपके स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। हिंदी समाचार पत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था ये कब, तो हमें बताना कि ये कब से प्रकाशित हुआ था, 1826 में, 1829 में, 1834 में या फिर 1844 में। बात करते हैं हिंदी समाचार पत्र की, तो ये जो बंगदूत है ये 1829 में प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम तो जो ये था 1829 में ये प्रकाशित होता। और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे, तो आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से ये प्रकाशित किया गया था। और ये कहा जाता है कि भाई ये जो पत्र था ना बंगदूत, ये बंगला और हिंदी फारसी में छपता था, लेकिन कलकत्ता के रिव्यू के अनुसार ये क्या था कि बंगला और फारसी में ही ये छपता था, हिंदी में नहीं छपता था। और ये 1829 में ही ये सरकारी आदेश से बंद भी हो गया था और दो रूपों में फिर प्रकाशित हुआ जब ये स्टार्ट हुआ। तो फिर ये ना हिंदू हेराल्ड, इसमें यानी कि इंग्लिश में ये फिर प्रकाशित होने लगा और उसका नाम रख दिया इन्होंने हिंदू हेराल्ड। और दूसरा था जो बांग्ला और हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू में भी होने लगा ये प्रकाशित, तो इसका नाम पड़ गया बंगदूत। और इसमें जो थी ना सेठों के लाभार्थ भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे, यानी कि ये बहुत सारी भाषाओं में बाद में ये प्रकाशित होने लगे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बंगदूत जो था वो प्रकाशित हुआ था 1829 में, और किसके द्वारा कभी पूछ ले तो आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ओग शब्द का पर्यायवाची क्या है? ओग शब्द का पर्यायवाची क्या ढेर है, ढोंग है, ढीढ है या फिर डेरा है? बात करेंगे ओग शब्द के पर्यायवाची की, तो ओग शब्द का पर्यायवाची होता है ढेर,
तो ढेर जो है वो ओक शब्द का पर्यायवाची है। बात करते हैं इसके अन्य पर्यायवाची को, तो ये हो जाएगा आपका समूह, जमा, राशि, पुंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो आपके हो जाएंगे पर्यायवाची ओक शब्द के। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक कथन जो है वो यहाँ पे असत्य दिया हुआ है, वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि असत्य कथन हमको यहाँ से फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे चार ऑप्शंस, इसमें से असत्य कथन कौन सा है। ए दिया है आपका धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, दूसरा है कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, तीसरा राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, या चौथा है मोहन राकेश जी जो कि कादम्बिनी के संपादक थे। यानी कि तीन तो इसमें से सही दिए हैं, तो आइए वो तीन देखते हैं जो इसमें से सही दिए गए हैं। तो पहला तो दिया है आपका धर्मवीर भारती जो कि धर्मयुग के संपादक थे, तो ये बिल्कुल भी सही बताया गया है, धर्मवीर भारती जो थे भाई वो धर्मयुग के संपादक थे। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हमारे हैं कमलेश्वर जी जो कि सारिका के संपादक थे, तो जी बिल्कुल ये भी सही दिया गया है यहाँ पर। राजेंद्र यादव जो कि हंस के संपादक थे, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। और बात करते हैं अंत की, यानी कि मोहन राकेश जो कि यहाँ पे दिया है कादम्बिनी के संपादक थे, तो हम बात करेंगे कादम्बिनी पत्रिका के संपादक की, तो ये थे आपके विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी जी। मोहन राकेश जो है वो इससे दूर दूर तक संबंधित नहीं है। कादम्बिनी के संपादक की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके विष्णु नागर जी और राजेंद्र अवस्थी जी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था असत्य कथन कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। देखिए, कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, या फिर इसमें से कोई नहीं। बात करेंगे कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किसको कहा जाता था, तो यहाँ पे जो भारत मित्र अपने समय का सबसे बड़ा प्रभावशाली मुखपत्र था, और ये जो पत्र था ये सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में जो है वो कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना स्टार्ट हुआ था, और इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गुर्दे और अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्ध हस्त संपादकों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पे तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी दिया ही नहीं गया, यानी कविचन सुधा भी इसका ऑप्शन नहीं है, समाचार सुधा वर्षण भी नहीं है, हिंदी प्रदीप भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जानते रहिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो कचहरियों में जो हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र जिसे कहा जाता था वो थे आपके भारत मित्र। क्या था? भारत मित्र। ठीक है, और यहां पे जो थे कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र इसी को मिला था, और कलकत्ता में चलाए जाने वाले जुए के अड्डे भी बंद कराने के लिए इसमें सफल आंदोलन जो है वो चलाया था। और इस पत्र में जो स्वामी दयानंद जी सरस्वती हैं इनके भी विचारोत्तेजक लेख जो है वो छपते थे, इनके भी जो विचार होते थे ये सब यहाँ पे छपते थे इस पत्रिका में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो हंस का पर्यायवाची है, क्या कुरुंग है, भुजुंग है, मराल है, या फिर पंचबाण है। हंस के अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो ये होता है आपका मराल, और इसके अगर अन्य पर्यायवाचियों की हम बात करें तो ये होता है मुक्त भक्त, सरस्वती वाहन इत्यादि। और जैसे कि कुरंग हो गया, तो कुरंग मतलब ये कुरंग जो है वो हिरन का होता है, ये किसका पर्यायवाची है? हिरन। और भुजंग क्या? भुजंग आप सबको पता है कि ये सर्प का पर्यायवाची होता है, और पंचबाण जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो आपका सारा डाउट क्लियर, यहाँ पे हंस का पर्यायवाची मराल होता है, कुरंग जो है वो हिरण का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची भुजंग होता है, और पंचबाण का पर्यायवाची कामदेव होता है। तो सही ऑप्शन आपका हंस के लिए यहाँ पे पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मराल। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है, तो नहीं को पहले कर लेंगे अंडरलाइन। देखिए, हम सबको पता है कि सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची है और बहुत सारे आपको याद भी होंगे, तो पूछा है यहाँ पे कौन सा नहीं है, यानी तीन तो यहाँ पे दिए हैं ऑलरेडी, दिनकर, दिवाकर, राका और अंशुमाली। बात करेंगे इसमें से कौन सा नहीं है, जो नहीं है यहाँ पे वो है राका। राका जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है,
और दिनकर दिवाकर अंशुमाली, दिनकर दिवाकर भास्कर आपने सुना ही होगा, तो ये लाइन्स ही आपको दिया गया है। दिनकर दिवाकर अंशुमाली भी है और बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, जैसे कि मार्तंड हो गया, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर रवि मरीच प्रभाकर सविता पतंग हंसित, बहुत सारे ऐसे अंशुमाली, ये सब जो है वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे जो कौन सा आपका पर्यायवाची नहीं है, तो आपका राका जो है ये सी ऑप्शन आपका पर्यायवाची सूर्य का तो नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही युग्म को पहचानना है, कौन सा है? जातवेद लोहा, जातरूप चांदी, परभृत कौवा, ताम्रचून मुर्गा। यहाँ पे देखना है कि शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा जो है वो युग्म सही दिया हुआ, यानी कि तीन तो यहाँ पे जो है वो गलत दिए हुए हैं, तो कौन सा सही है चलिए देख लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तमचूर हो गया, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, चारणा युद्ध, ये सब जो है वो मुर्गा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जातवेद है वो हो जाएगा आपका अग्नि का पर्यायवाची, ये लोहे का नहीं होता है, ये होता है आपका अग्नि, इसका पर्यायवाची। बात करेंगे जातरूप की, तो ये चांदी का नहीं सोने का पर्यायवाची होता है, गोल्ड का, ठीक है। और बात करते हैं परभृत, परभृत जो है वो कौए का नहीं कोयल का पर्यायवाची होता है। ताम्रचूर्ण जो है वो सही दिया हुआ है, ये जो है वो मुर्गे का पर्यायवाची है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, डी ऑप्शन। जातवेद एक बार देख लेंगे फिर से हम, जातवेद जो है इसका पर्यायवाची आपका लोहा नहीं होगा, जातवेद का पर्यायवाची होता है अग्नि, जातरूप का पर्यायवाची होता है गोल्ड यानी कि सोना, चांदी नहीं होगा, परभृत यानी कि कौआ नहीं कोयल होता है, जो दूसरे पे जो आश्रित होती है ना कौए के ऊपर, और ताम्रचूर ये होता है मुर्गे का पर्यायवाची। और इसके अगर और पर्यायवाची की बात करें तो अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, तमचूर, कुक्कुट, ये सब जो है वो मुर्गे के पर्यायवाची है। तो पूछा है अर्थ की दृष्टि से कौन सा सही है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जो है वो वार्णिक छंद है, दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। देखिए बात करेंगे यहाँ पे कौन सा जो है वो वार्णिक छंद है, तो यहाँ पे जो वार्णिक छंद है वो है आपका सवैया। सवैया जो है वो आपका है एक वार्णिक छंद और ये होता है आपका समवृत्त छंद, ठीक है। और जिसके एक चरण में क्या होती है 22 से लेकर 26 तक अक्षर दिख जाएंगे आपको, और यहाँ पे इसके मतलब बहुत सारे भेद होते हैं, अलग अलग इसको पहचान सकते हैं, मतलब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे पूछा था सिर्फ वार्णिक छंद कौन सा है, तो ये समृद्ध वार्णिक छंद है, कौन सा? सवैया है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या है, तो ये आपका अकिंचन हम सबको पता ही है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे हम कहते हैं अकिंचन, है ना, उसके लिए हम ये शब्द जो है वो प्रयुक्त करते हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अक्षम, जो कुछ कर नहीं सकता या कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है करने की, उसे हम कहते हैं अक्षम। और बात कर लेते हैं असमर्थ की, तो असमर्थ हो जाता है आपका जिसके पास सामर्थ्य न हो, ठीक है। कुछ करने के लिए जो सक्षम नहीं है उसे कहते हैं अक्षम, कंफ्यूज मत होइएगा, उसे कहते हैं अक्षम। और जो कुछ करने के लिए जो भी जिसके अंदर सामर्थ्य न हो उसे कहते हैं असमर्थ, ठीक है। और अज्ञ किसे कहेंगे, अज्ञ जो है वो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञ। तो यहाँ पे पूछा गया था जिसके पास कुछ न हो वो होता है आपका अकेंशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द लिखना है, क्या होगा? अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित, अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके, तो जिसका निवारण न हो सके उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है आपका अनिवार्य, यानी कि जो आपका कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। और जिसके बात करें अगर निर्णय न हो सके तो उसके लिए जो शब्द आता है वो होता है अनिर्णित,
जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है आपका अनिर्णित, ठीक है। और अविकल जो है, अविकल इस शब्द के लिए आ जाता है आपका ज्यों का त्यों, है ना। जैसे कहा जाए ज्यों का त्यों, तो उसके लिए अगर एक शब्द अगर हम यूज करें तो वो हो जाएगा आपका अविकल, ठीक है। यहाँ पे पूछा था जिसका निवारण ना हो सके वो होता है आपका अनिवार्य। अगला क्वेश्चन हमारा है पक्षी शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पे पूछा है क्या होता है अंशुक, द्विज, वरुण या फिर तरुण। पक्षी शब्द का पर्यायवाची देखिए, द्विज भी होता है, विहग होता है, विहंग होता है, खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है, पतंग, शकुंत, चिड़िया, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया था मैच कर रहा है वो है आपका द्विज। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है वो अशुद्ध दिया है और वही हमको जो है वो फाइंड आउट करना है। उन्मुख का विमुख, ऋत का अनृत, गत का अनागत, मंद का द्रुत। देखिए बात करेंगे यहाँ पे गत के विलोम की, तो गत का विलोम जो है वो आगत होता है, अनागत नहीं होता है, ठीक है। और बाकी सब तो सही दिए ही है यहाँ पे। गत का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगत, गत यानी जाना, आगत यानी आना, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उन्मुख का अपोजिट जो है वो विलोम होता है, ऋत का अनृत होता है, और मंद का द्रुत भी होता है, पर गत का अनागत नहीं होता है। गत का क्या हो जाएगा, गत का आगत हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन। हम बात करेंगे अर्वाचीन के विलोम की, तो अर्वाचीन का विलोम हम सबको पता है, प्राचीन, अर्वाचीन हमने बहुत बार सुना है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो दिया गया है जैसे कि नवीन हो गया, ये जो है आपका अर्वाचीन का जो है वो समानार्थी हो जाएगा कह सकते हैं, और प्राचीन जो है ये अपोजिट है आपका, विलोम है, प्राचीन अर्वाचीन इसका अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, क्या थी इसकी प्रकाशन भूमि, कहाँ से यह प्रकाशित किया गया था, दिल्ली से, इलाहाबाद से, कलकत्ता से या फिर बनारस से। बात करेंगे उदंत मार्तंड, इसका मतलब ही होता है उगता हुआ सूरज, और इसका जो प्रकाशन है वो पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जो है कलकत्ता से किया था, ठीक है। ये जो है वो प्रकाशित हुई थी, इसकी प्रकाशन भूमि पूछी है तो ये हुई थी कलकत्ता से। और कभी पूछ ले कि कब हुई थी, तो ये 1826 में प्रकाशित की गई थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसके संपादक जो थे वो मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुल्क थे। मतलब इसके संपादक की अगर हम बात कर लें और इसको स्टार्ट करने वाले की बात कर लें तो दोनों भी युगल किशोर शुल्क जी थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई भी पत्र जो है वो हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था, और इस प्रकार जो है वो सबसे पहला समाचार पत्र, सबसे पहला है ये उदंत मार्तंड यानी कि उगता हुआ सूरज। लेकिन आपको उगता हुआ सूरज लिख के नहीं देखा कभी, इसका सिर्फ मीनिंग जानते रहिए। कलकत्ता जो है यहाँ से ये इसकी प्रकाशन भूमि, यहाँ से ये स्टार्ट किया गया था। ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो किस भाषा से है, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। बात करेंगे ध्रुपद गायन के संबंध की, तो ध्रुपद गायन जो है इसका संबंध यहाँ पे है ब्रज भाषा से। अधिकांश विद्वानों का मत था कि भाई 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर इनकी रचना इन्होंने की थी। इनका तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाई राजा मान सिंह तोमर जो थे वो ध्रुपद प्रचार के जो थे वो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। तो देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। देखिए जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं, जो बहुत अधिक बोलता है, बोलते हैं ना बहुत बातूनी है, बोल सकते हैं बहुत वाचाल है। वाचाल का अर्थ होता है बहुत, जो वो अधिक बोले वो। जो अपेक्षाकृत अगर कम बोलता है, जैसे ये तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, लेकिन जो कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मितभाषी, ठीक है। मृदुभाषी नहीं, मितभाषी, जो कम बोलेगा उसे मितभाषी, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगर मृदु की बात कर लें तो जो मीठा बोलता है ना, बोलते हैं तुम तो बड़ा मीठा बोलते हो भाई, तो मृदुभाषी जो है वो मीठा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं
मृदुभाषी। वक्ता मतलब आप जानते हैं, जो बोलता है, जो भाषण देते हैं उसे वक्ता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवधनुढ़ा, नवोधंढा, नवधनऊढ़ा, नधनओढ़ा। देखिए बात करेंगे नवोड़ा के संधि विच्छेद की यहाँ पर, तो ये आपका हो जाता है नवधनऊढ़ा, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पे भी अ या फिर आ के बाद ई या फिर बड़ी ई, ऊ या फिर बड़ा ऊ और री आ जाए, तो दोनों मिलके क्रमशः ए और ओ का जो है वो निर्माण कर देते हैं, जो कि अर अर जो है वो हो जाते हैं, ए और जो है वो अर में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसीलिए ये कौन सी संधि में आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका देखिए नवोढ़ा। यहाँ पे जिसे लिखा है तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये हमने आपको दोनों बताई है। अगर आपने संधि की आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप कहीं से भी आप इसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से संधि समझाया है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको सारी संधि, आपको रूल्स भी लर्न करने नहीं पड़ेंगे, इस टाइप से हमने उसकी ट्रिक्स बताई है, हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका गुण संधि, गुड़स्वर संधि हो जाएगी। और अगर ऐसी ही संधियों की और बात करें तो यहाँ पे हो जाता है जैसे देवेंद्र हो गया, चंद्रोदय, नवोढ़ा, सूर्योदय, ये सब जो है वो गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हमारी, तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो देखिए बांगरू जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है यहाँ पे पूछा है, तो क्या ये पश्चिमी हिंदी है या पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी या फिर पहाड़ी? देखिए यहाँ पे पूछा है बांगरू, तो बांगरू जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा का जो है ये वर्ग की बोली है और इसी के अंतर्गत ये आती है। बांगरू, देखिए बांगरू जो है वो आपका है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, इसके अंतर्गत ये आती है। और यहाँ पे हरियाणवी भी इसे कहते हैं। बांगरू जो है वो यानी कि कह सकते हैं शुष्क या फिर उच्च भूमि, इसे हम बांगरू कहते हैं। और भूभाग के कारण इस बोली का नाम बांगरू पड़ा है। और इसका विकास जो वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार, ये सभी क्षेत्रों के अंतर्गत इसके आते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की हमारे यहाँ, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो क्या हिंदी की 2 भाषाएं हैं, उपभाषाएं 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनकी बोलियां, देखो हम बता देते हैं आपको, 5 उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी है पहली, तो पहली कौन सी आपकी पश्चिमी हिंदी है जिसमें आपकी आ जाती है बोलियां, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें उपभाषा की, तो राजस्थानी हो जाती है, जिसके अंदर राजस्थानी हिंदी में अगर बात कर ले तो मारवाड़ी हो गया, जयपुरी, मेवाती, मालवी हो जाएगा। तीसरे उपभाषा की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी होता है, जिसके अंदर आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आ जाती है। चौथी उपभाषा की बात करें तो बिहारी हिंदी हो जाती है, और इसके अंदर आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। और अगर 5वीं की बात करें तो वो हो जाती है पहाड़ी हिंदी, जिसमें आ जाता है कुमाऊँ, गढ़वाली। बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ अब उपभाषाओं की, तो उपभाषाएं होती हैं हिंदी की 5, जो कि है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा है अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? अंतरंग का सही विलोम क्या होगा यहाँ पे पूछा है, तो भाई बहुरंग, बहिरंग या फिर सब रंग या फिर कुरंग। तो देखिए सब रंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही एकदम सिमिलर सा वर्ड उठा के इन्होंने लिख दिया है। देखिए लेकिन अंतरंग का जो सही विलोम हो जाता है वो हो जाता है बहिरंग। बहुरंग कभी मत लिख के आइएगा, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, बहुरंग नहीं होगा। अंतरंग का जो सही अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा बहिरंग। एग्जामिनर सब बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, तो आपको स्मार्टली जो है आपकी प्रिपरेशंस करनी है, आपको सेम सिमिलर वर्ड्स देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, बहुरंग, बहिरंग, ठीक है। तो अंतरंग का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा आपका बहिरंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द यानी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिया गया है, शरचंद्र यानी शमश्रु या फिर कवयित्री। बात करेंगे यहाँ पे अशुद्ध शब्द की, ये जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल भी सही है, यानी ऐसे ही लिखा जाता है,
शरचंद्र की बात करेंगे तो शरचंद्र भी जो है ये ऐसे ही लिखा जाता है, कवयित्री भी ऐसे ही लिखते हैं और शमश्रु भी जो ये ऐसे ही लिखते हैं। तो बाकी सब तो यहाँ पे सब यहाँ पे यानी कि सही दिए ही है, मतलब कोई तो यहाँ पे रॉन्ग दिया है, नहीं तो अशुद्ध शब्द का हमको चयन करना कैसे है यहाँ पे यार। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन हमें करना था, देखिए लेकिन यहाँ पे अशुद्ध कोई भी शब्द नहीं दिया है। तो कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्स में हो जाता था, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस में आप कभी भी कोई भी एक ऑप्शन टिक करके आ जाइएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट दिए हैं, शरचंद्र यानी कवयित्री ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं, बिल्कुल सही दिए हुए हैं। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बृहस्पति का संधि विच्छेद। यहाँ पे पूछा है कि क्या होता है बृहस्धनपति, बृहस्धनपति, बृहधनपति या फिर बृहस्धनपति। देखिए यहाँ पे जो है ना पूछा है बृहस्पति का संधि विच्छेद, तो बात करेंगे बृहस्पति के संधि विच्छेद की, तो ये हो जाता है आपका विसर्ग में परिवर्तित यानी बृहधनपति, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बृहधनपति। यानी कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ ये आ जाए तो विसर्ग में जो है वो कोई भी परिवर्तित परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, लेकिन कुछ शब्दों में जो है वो परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि स अगर आ जाए सड़क वाला, तो जैसे कि देखिए प्रातः काल अंतपुर, तो ये सब में जैसे ना लिखेंगे आप तो इन सब शब्दों में आपको विसर्ग लगा के लिखना रहता है, और विसर्ग के साथ ही इसकी संधि भी होती है अंतपुर। अंतपुर जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी बीच में जो है वो संधि है, और ये लिखेंगे तो भी इसके साथ विसर्ग लगता है, और तोड़ेंगे इसको अगर विसर्ग विग्रह करेंगे तो भी यहाँ पे अंत और विसर्ग प्लस पुर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था बृहस्पति का संधि विच्छेद, तो ये हो जाता है आपका बृहधनपति। अगला क्वेश्चन हमारा है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, क्या ये मागधी अपभ्रंश है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से। बात करेंगे खड़ी बोली हिंदी जो कि पश्चिमी हिंदी के नाम से जानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम भी होते हैं जैसे कि हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी इत्यादि, और ब्रज भाषा की तुलना में अगर ये बोली अगर बात करें तो ये खड़ी बोली की तरह लगती है संभवतः, तो इसीलिए जो है इसको क्या हम खड़ी बोली जो है वो बोलते हैं। तो ये जो आपकी खड़ी बोली की हिंदी है ये आपकी सौर सैनी अपभ्रंश से आई है। और बात करेंगे अगर इसकी कि भाई इसको कौरवी नाम जो दिया गया था वो किसने दिया था, तो ये जो कौरवी नाम दिया गया था वो राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने खड़ी बोली को जो है वो कौरवी कहा था, याद रखिएगा कौरवी नाम ये दिया था किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। और इसका क्षेत्र जो है ना देहरादून का मैदान, देहरादून कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है, उसका मैदानी भाग जो होता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये सब जो है वो इसके अंतर्गत क्षेत्र हैं आते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम जो है वो सही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर कोई नहीं। देखिए हरिश्चंद्र जो लिखा है ये आपका बाकायदा दिख रहा है, देखने से ही पता चल रहा है जो श है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, जब इसको आप तोड़ लेंगे यानी कि विग्रह कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका हरि धन चंद्र। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि में चेंज। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शब्द अथ का विलोम दिया गया है, तो अथ का विलोम क्या होता है, इति आदि अंत या फिर प्रारंभ। बात करेंगे अथ के विलोम की, तो अथ का विलोम जो है वो हो जाता है आपका इति, जबकि अगर आदि की बात करें आदि का विलोम होता है अंत, आदि यानी शुरुआत करना, अंत यानी फिनिश करना, खत्म करना। तो अथ का यहाँ पे पूछा था अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा अथ का विलोम, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है उठाना क्रिया का अकर्मक रूप यहाँ पे पूछा है, तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होता है, उठवाया, उठाएगा, उठाया या फिर उठना। बात करेंगे उठाना क्रिया के अगर अकर्मक रूप की, तो इसका जो अकर्मक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उठना, ये इसका अकर्मक रूप है उठाना क्रिया का। दौड़ना, सोना, रोना ये सब जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं जो जन्म से
क्रियाएं होती हैं, यानी कि जैसे रोना गाना ये सारी हो जाती है ना, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं के उदाहरण है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक में जो है वो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, और वही शब्द जो है वो आपको छांटना है कि कहाँ पे जो है वो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे जो थे वो बहुत भूखे थे, तो यहाँ पे तो देखिए विशेषण आ गया बहुत, है ना। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, कैसा खाना बनाया, गर्मा गर्म खाना बनाया, तो ये भी आ गया विशेषण। बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने क्या खाया, खाना खाया, है ना, कैसा खाना खाया नहीं बताया है। माँ ने कहा और रोटी लो, माँ ने क्या कहा, और रोटी लो, कितनी रोटी लो नहीं पता, लेकिन बताया है कि और रोटी ले लो, है ना। तो और जो है वो रोटी की विशेषता बता रहा है, खाना की विशेषता यहाँ पे गर्मा गर्म खाना है, इसलिए ये गर्मा गर्म जो है विशेषण हो जाएगा। भूखे थे, कैसे भूखे थे भाई, बहुत भूखे थे, तो बहुत जो है ये विशेषण बता रहा है, लेकिन खाना खाया, किसने खाया, बच्चों ने, तो बच्चों तो करता आ जाएगा, विशेषण की तो यहाँ पे बात ही नहीं है जो किसी की विशेषता बता रहा हो, खाना की कोई विशेषता यहाँ पे बताई नहीं जा रही है, तो जो आपका विशेषण नहीं प्रयोग हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बच्चों ने खाना खाया, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो है वो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे पूछा है क्या हो जाएगा, रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, या फिर विद्रोह करना। देखिए एग्जैक्टली सिर उठाने का मीनिंग होता है विद्रोह करना, किसी के खिलाफ आवाज उठाना आप कह सकते हैं, विद्रोह करना, यही जो है वो सिर उठाने मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। देखिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दिया करें। आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।